हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 2 है और आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन फॉर सीबीएसई। सब टॉपिक है राइटिंग ऑफ डेटा इन फाइल। फाइल के अंदर हम लोग डेटा कैसे राइट करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर 1 तो आप उसे जाकर फटाफट देख लें और उसके बाद लेक्चर 2 में आइएगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फाइल्स के बारे में, फाइल क्या है, उनके टाइप्स, वो सारी चीज़ें, और बहुत ही बेसिक सा एक मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे हम लोग कोई फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा इनपुट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइटिंग ऑफ डेटा इन फाइल। फाइल में कैसे डेटा राइट करना है और कैसे क्रिएट करना है, उसके अलग अलग मोड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर ले। ये इंसान जो शर्ट पैंट पहन के बोल रहा है, ये मेरी ही बात आपको कन्वे कर रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अब ये फटाफट पहले लिख लीजिए, देयर आर टू इनबिल्ट फंक्शंस टू राइट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फाइल। वो है राइट और दूसरा क्या है, राइट लाइंस। राइट के बारे में हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। एक एक फंक्शन को पकड़ के उसका ऑपरेशन कर देना है। तो राइट फंक्शन करता क्या है, राइट फंक्शन का काम है इंफॉर्मेशन को फाइल के अंदर डालना। और कौन से फाइल के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाइनरी नहीं, टेक्स्ट फाइल। गलती से भी बाइनरी फाइल में इसका यूज़ मत कर लीजिएगा। तो राइट फंक्शन का काम होता है इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फाइल में डालना। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल tom.txt एंड स्टोर 3 नेम्स इन इट, यूज w मोड। हम लोग यहाँ पे कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, राइट मोड। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि राइट मोड, अपेंड मोड, क्रिएट मोड, रीड मोड, हाँ, रीड एंड राइट मोड, अपेंड एंड रीड मोड, ये सारे मोड्स हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ये दोनों मोड को कवर करेंगे। ये वाला तो जब हम लोग रीडिंग करेंगे उस वक्त समझेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग एकदम एंड में सीखेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल। हमें एक tom.txt करके फाइल बनानी है और उसमें 3 लोगों का नाम इनपुट करना है और उसे फाइल को w मोड में खोलना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए हमेशा या तो आप w यूज़ करिएगा या तो a यूज़ करिएगा, ठीक है, या फिर आप r+ भी यूज़ कर सकते हैं, a+ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग अभी बिगनर हैं, आप नया नया सीख रहे हैं, तो पहले आप w से शुरू करिए, फिर आगे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा फिर आप एक्सपेरिमेंट करिएगा वहाँ पर। तो W एंड A, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता दूंगा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा आइडियली है, मैंने इसे पहले से खोल रखा है। यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम जो बोला गया था वही लिखना है। तो मैं यहाँ पर फाइल 1, एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फाइल 1 जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। इक्वल्स टू ओपन फंक्शन को मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया tom.txt। ये जो फाइल नेम है ना, ये आप रन टाइम इनपुट भी कर सकते हैं, ये सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल कोट में भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं W, इसे स्मॉल लेटर रखना है और मोड देना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप मत करिएगा नहीं तो एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये मोड दे दिया, क्लियर। और यहाँ पर मैं अब कॉल करूँगा राइट फंक्शन को, ठीक है ना। तो राइट फंक्शन के अंदर मुझे थ्री फ्रूट्स के नेम मुझे इनपुट करना है। तो मैंने ले लिया मैंगो। मैंगो के बाद मुझे \n देना पड़ेगा, अगर हम नहीं देंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा w. एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसी को बार बार नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, अच्छा मैं अगर इसे यहाँ पर, मैं टॉम का नाम हटा देता हूँ, नाम फ्रूट्स रख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा आप। अच्छा मैं अगर इसे रन कराऊँ तो देखिए क्या होगा, पहले तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये यहीं पर सेव है मेरा जो फाइल है, ये देखिए फाइल 1 इसका नाम है। तो मैं इसको, इसको और इसको, तीनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल कोई और फाइल नहीं है, एकदम मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब मैं इसे रन कराऊँगा तो आपको देखिएगा वहाँ पर एक फ़ाइल मिल जाएगा, फाइल का नाम होगा फ्रूट्स और इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं है डेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को, अगर आप, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा है
ये बहुत गलत बात है, आप ये देखिए पहले उसको। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल वन डॉट क्लोज। अब ये फाइल को जैसे मैं क्लोज करूँगा तो सिनेरियो एकदम अलग, ठीक है। मैं इसे रन कराता हूँ पहले, तभी ना कुछ डेटा जाएगा वहाँ पे। तो मैं आप यहाँ पर जाकर देखिए, अब यहाँ पे 1 KB दिखा रहा है फाइल का साइज़। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो मुझे देखिए मैंगो मैंगो मैंगो, मैंने तीनों मैंगो ही डाल दिया था इसलिए इस तरह से आउटपुट आया, क्लियर। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा बार बार। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा, बनाना और ऑरेंज, ये मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे न्यू लाइन नहीं देता तो क्या होता, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉलो करिएगा। वीडियो को बीच में ही छोड़ के कोई और वीडियो मत देखने लगिएगा, पूरा देख लीजिएगा उसके बाद डिसाइड करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखिए और किसी का मत देखिए, तो गलत बात हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलकर डेटा देखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये न्यू लाइन में नहीं आया। तो ये तो पता चल गया ना कि अलग अलग लाइन में अगर डेटा को रखना है तो आपको बैक स्लैश एन देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये मैंने बता दिया, ये तो रन टाइम इनपुट नहीं है, डायरेक्ट इनपुट है। रन टाइम इनपुट कैसे करेंगे, रन टाइम इनपुट भी बहुत ही आसान है। तीन लोगों का नाम इनपुट करना, तो एक काम करिए आप एक लूप चला दीजिए, फॉर आई इन रेंज। रेंज मैंने क्या कर दिया, 1 से लेकर 4 तक, बेसिक फॉर लूप है, आप लोग को आता ही होगा भाई, यहाँ तक आ गए तो आता ही होगा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नेम इनपुट करना है, फ्रूट का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू, इनपुट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, मैं इनपुट को बोलूंगा कि मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम दो, तो वो रन करेगा, मतलब कॉल होगा, फिर वो रन करेगा और उसका कोड की वजह से आप डेटा इनपुट कर पाएंगे। एंटर नेम, तो मैं उस नेम को यहाँ पे इनपुट किया, और इनपुट करने के बाद आप उसमें कॉन्कैटिनेशन कर दीजिएगा न्यू लाइन का, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली एंड डालेंगे ना तो उसी की तरह से आएगा, जैसे कि एक लाइन में हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, हमको वर्टिकली डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल वन डॉट राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा इनपुट कर रहे हैं। फाइल वन डॉट क्लोज करना मत भूलिएगा। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ओपन क्या है, फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज क्या होता है, ये फाइल को, फाइल ऑब्जेक्ट जो है, और फाइल वन जो है ना, फाइल वन जो रेफरेंस वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट से वो डिसकनेक्ट कर देता है। मैं अभी उसका एक ड्राइंग बना के आपको समझा देता हूँ तुरंत। ये देखिए मैं यहाँ पे नेम इनपुट करूँगा, नेम मैंने इनपुट किया मैंगो, फिर बनाना, बनाना, और फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑरेंज। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। तो अभी चलकर देखते हैं, तो ये देखिए, आओ वाओ, हम लोगों ने दूसरा चीज़ सीख लिया, वो क्या है, रन टाइम इनपुट। दो चीज़ आप लोगों ने सीख लिया, कैसे रन टाइम इनपुट करना है और कैसे हमें डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करना है। फिलहाल बिगनर हो आप लोग तो पहले डेटा इनपुट करना सीखो, बाद में हम लोग सर्चिंग, डिलीशन, कॉपी, ये सब करना सीखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। और ये तो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे वीडियोस लोग देखेंगे, व्यूज़ बढ़ेगा, मैं थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट नहीं होऊंगा तो वीडियो बनाने में जैसे लगता है कि मुझे नींद आ रहा है, जब से ही व्यूज़ आता है मैं एकदम चार्जअप हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डेटा इनपुट। अब क्या करना है इसमें, ये रन टाइम इनपुट क्या हो सकता है, क्या हम लोग फाइल का नेम रन टाइम इनपुट कर सकते हैं? जी हाँ, रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। तो उसको पहले बताने से पहले, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी सी बात बोली थी वो सुन लीजिए। फाइल वन डॉट क्लोज करने से क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका फाइल वन है और ये मेरी फाइल थी, इसका नाम था फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स डॉट txt। तो ये फाइल वन जो है जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का ड्राइंग बन जाता है, मतलब इस तरह की कनेक्टिविटी होती है, और जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये इससे डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये मेमोरी से इरेज हो जाता है, क्लियर। तो राइट मोड में एक चीज आपने नोटिस किया कि राइट मोड में बार बार ऐसा हो रहा है कि हम जो डेटा इनपुट किए, जैसे मैंने अभी इसके पहले जो फ्रूट्स का नेम इनपुट किया था, क्या मैं वापस वो नेम, अभी जो मैं नया नाम डालूंगा, चलिए मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि उसमें कौन कौन से फ्रूट्स थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा खुल गया। तो मैं इधर में जाता हूँ, ये देखिए 3 फ्रूट हैं यहाँ पे, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, ठीक है। मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रहने दीजिए, पाइथन नाराज़ हो जाएगा। यहाँ पर जाते हैं और फिर से इसे रन कराते हैं, तो क्या जो जो प्रीवियस डेटा है, क्या वो प्रीवियस डेटा वहाँ पर होगा? तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे डाल देता हूँ, डिन डिन मिन और सिन। तो ये मेन जो है एक्चुअली मैं इनबिल्ट फंक्शन का नाम है इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आया। तो देखिए यहाँ पे डिन मिन और सिन आया, तो प्रीवियस डेटा क्या हुआ?
प्रीवियस डेटा इरेज हो गया, इसका क्या मतलब है? राइट फंक्शन कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? यहाँ से हम बहुत आराम से समझ सकते हैं राइट फंक्शन क्या करता है। सॉरी, राइट मोड में जब हम लोग किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, राइट मोड में, तो आप जो भी फाइल का नाम यहाँ पे डालते हो, अगर वो फाइल नहीं है तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाता है। अगर वो फाइल पहले से है और उसमें कोई डेटा है, तो जो आप नया डेटा डालेंगे, पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब राइट मोड में खोलने से ओल्ड डेटा नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है, नया डेटा उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो फाइल में डेटा डाल रहे हैं, पुराना डेटा, और जो आप नया डेटा डालेंगे, जैसे मान लीजिए आप सोमवार को प्रोग्राम को रन कराया, उसमें आपने डाला मैंगो और बनाना, ट्यूसडे को आप गए प्रोग्राम को रन कराया, उसमें आपने डाल दिया ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो मैंगो और बनाना उसमें रहना चाहिए और ऑरेंज और ग्रेप्स उसके नीचे में अपेंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी चाहिए पाइथन के हेल्प से, तो आप क्या करिए, फाइल को फिर ए मोड में खोलिएगा। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे फाइल फ्रूट्स का नाम, फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एनिमल डॉट टीएक्सटी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले जाकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई एनिमल करके फाइल है क्या। कोई भी फाइल एनिमल करके यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसे अब रन कराऊंगा और यहाँ पर हम देखेंगे। एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया, ये ब्लैंक है, इसमें कोई डेटा नहीं है, इसलिए 0 KB दिखा रहा है। अब मैं इसे रन रन कर रहा है, अब ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, तो मैंने डाल दिया लायन, फिर मैंने डाल दिया टाइगर, और फिर मैंने डाल दिया एलिफेंट, ठीक है। अब चलकर देखते हैं वहां पर डेटा है कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर डेटा आ गया। ओके, अब ये मैंने सोमवार को किया प्रोग्राम, मैंने बंद हो गया लैपटॉप, बंद किया, फिर मैं मन ट्यूजडे को आया, मैंने बोला भाई चलो 3-4 और जानवरों के नाम इनपुट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने डाल दिया डॉग, फिर मैंने डाल दिया कैट, फिर मैंने डाल दिया रैट। अब चलकर देखते हैं वहाँ पर, तो आपको देखिए सोमवार वाला भी डेटा यहाँ पर है और मंगलवार वाला भी डेटा यहाँ पर है। मतलब सारे डेटा यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब जो न्यू डेटा होगा वो पुराने डेटा के नीचे में अपेंड हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका अपेंड मोड। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अपेंड मोड और डब्ल्यू मोड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या रन टाइम इनपुट फाइल का नेम भी कर सकते हैं क्या, ये जो एनिमल डॉट टी एक्स टी है? जी हाँ, ये हम रन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। फाइल का नाम हम रन टाइम इनपुट लेने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा स्टंट मैं मारने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एक मिनट, नाम चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। इनपुट यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर द फाइल नेम। फाइल नेम आपको जो भी डालना है डालिए, जोश में आके कुछ उल्टा सीधा मत डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा फाइल नेम, क्लियर। अब मैं रन कराता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कोई भी फाइल का, मनचाहा फाइल का नाम दूंगा, मैं नाम दे दिया बिन्ना मिन्ना डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर मैं कुछ नाम डालता हूँ, बिन्ना, फिर मैं डालूंगा मिन्ना, फिर मैं डालूंगा पोइन्ना। अब मैं चलकर देखता हूँ वहाँ पर क्या इस तरीके से कोई फाइल बना क्या। जी हाँ, यहाँ पे बिन मिन्ना यहाँ पर डेटा भी है। फिर से रन कराऊंगा तो ओल्ड डेटा रहेगा और न्यू डेटा उसके नीचे अपेंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया इतने कम समय में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं राइट लाइंस के बारे में बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे भी अच्छा चीज़ बताऊंगा। ये अच्छाई मेरी धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और आप लोग भी अपना प्यारा प्यारा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे बढ़ा दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।